बिहार की शिक्षक भर्ती में सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए, अदर स्टेट की महिला और पुरुष के सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ नया विवाद चल रहा है, जैसा कि जो PRT के हमारे स्टूडेंट थे जो कि अनेक जिलों में ज्वाइन करने गए, तो उनका 90 से कम नंबर था, महिला कैंडिडेट का 90 से कम नंबर था, तो उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि किस कैटेगरी के लिए सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए। यहां पर हम आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं, साफ साफ देख लीजिए नोटिफिकेशन, और यहां पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर होना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो आपका प्री वाला एग्जाम हुआ था, टीयर 1 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्राइमरी के अध्यापक थे जिनके 90 से कम नंबर हैं, ऐसी महिलाएं हैं, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले अपना सीटेट के नंबर देख लेते हैं। तो भैया BPSC जो टीयर 2 का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, और यही सारी नोटिफिकेशन आपका फेज 1 परीक्षा के लिए भी था। तो देखिए, अगर आप बिहार में अनारक्षित यानी UR कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और अगर आप दूसरे स्टेट में हैं यानी अदर स्टेट के हैं, तो चाहे आप अदर स्टेट के हैं और चाहे बिहार में अनारक्षित हैं, ऐसी कैटेगरी में सीटेट पुरुष के लिए आपके 90 नंबर यानी कितना 60% 90 नंबर होना चाहिए, और महिला कैटेगरी के लिए साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है महिला कैटेगरी के लिए सामान्य वर्ग की महिला के लिए 55% यानी कि 82 नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा इस राज्य की महिला कैटेगरी से हैं और आप जब बिहार में जाएंगी तो आपके सीटेट में कम से कम 82 नंबर होना चाहिए। इसी कैटेगरी के लोगों को जब ज्वाइनिंग के समय कुछ जिलों में रोक दिया गया है, सारे पूरे बिहार में ये मामला नहीं है, कुछ जिलों में ये मामला निकल के आ रहा है, तो इन्हें रोक दिया गया है, इस पर हम लोग अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन आप अदर स्टेट की महिला कैट है तो आपको 82 नंबर चाहिए। अच्छा, अदर स्टेट में आप कुछ भी हों, अदर स्टेट में चाहे आप OBC हों, चाहे SC हों, चाहे ST हों, सबके लिए 82 नंबर चाहिए, ठीक है। तो अदर स्टेट में चाहे आप अनारक्षित में आती हैं, चाहे OBC में, चाहे SC में, चाहे ST में, तो अदर स्टेट की कोई भी कैंडिडेट होगी उसके लिए 82 नंबर चाहिए। महिला हैं तो 82 नंबर चाहिए, पुरुष हैं तो 90 नंबर चाहिए, ये कैटेगरी क्लियर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना हमें चाहिए, 55% नंबर चाहिए यानी कि 82 नंबर चाहिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। इसी प्रकार SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में कितना चाहिए, 50% नंबर चाहिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, यानी कि कितना नंबर बनेगा, 75 नंबर। तो सीटेट में 75 नंबर होने पर आप SC और ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 50% नंबर चाहिए, यानी सीटेट का जो 150 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको 75 नंबर महिला और 75 नंबर पुरुष, दोनों कैटेगरी के लिए बराबर बराबर नंबर चाहिए। तो नीचे की 3 कैटेगरी में तो कोई विवाद ही नहीं है, पूरा विवाद कितना है, अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट की महिला को कितना नंबर चाहिए, तो अदर स्टेट की महिला को 82 नंबर चाहिए, चाहे अदर स्टेट यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो चाहे आप UR में हैं, चाहे OBC में हैं, चाहे SC में हैं, चाहे ST में हैं, उत्तर प्रदेश की किसी भी कैटेगरी में आप आती हैं लेकिन बिहार में जाएंगी तो अनारक्षित में जाएंगी और आपको 82 नंबर चाहिए। ये जो हम बातें बता रहे हैं ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। अब अपने विवाद के ऊपर आते हैं, जो यहाँ पर विवाद हो रहा है, विवाद यह हो रहा है कि जैसे आप सीटेट का पेपर देती हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आप UR यानी अनारक्षित वर्ग में आती हैं तो सीटेट में कितना नंबर चाहिए आपको, 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए। आपके 90 नंबर नहीं हैं, आपके कितने नंबर हैं, 86 नंबर हैं। इस प्रकार आपके पेपर में अनुत्तीर्ण यानी फेल लिखकर आ जाएगा, तो जब फेल लिखा रहेगा तो ये मार्कशीट देखकर जो बिहार में क्या है, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। ये प्रत्येक ज़िले में ऐसी घटना नहीं हुई है, कुछ ज़िले में ऐसी घटना है, तो इस पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बार बार होता है कि जब जो काउंसलिंग करवा रहा होता है बंदा, वो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है तो उनके रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर कार्य करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, जो कुछ भी है
वो नोटिफिकेशन के अनुसार ही है। और अगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें रोक दिया गया है ज्वाइनिंग करवाने के लिए, जो विद्यालय में ज्वाइनिंग होती है ज्वाइनिंग करवाने से रोका गया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका 90 से कम नंबर है और अदर स्टेट की महिला में आती हैं, तो कोई बात नहीं है, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। तो क्या होता है, काउंसलिंग के बाद जब ज्वाइनिंग होती है तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। और काउंसलिंग कराता कौन है, जो वहाँ पर क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, जो खुद जो इंटर पास हैं वही लोग कराते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन के अनुसार कर रहे हैं और यह नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। तो यदि आप महिला कैंडिडेट हैं और आपका 82 नंबर है, 82 से ऊपर नंबर है, चाहे 82 हो चाहे 82 से ऊपर नंबर हो, तो आराम से आप फॉर्म भरिए, आपको ज्वाइनिंग मिली गई। जिनको भी ज्वाइनिंग के लिए रोका गया है उनको भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से परेशान होने की कोई भी जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वो 82 नंबर है, यानी 55% नंबर आपके साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो जब नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बिहार सरकार खुद कह रही है, तो आपको ज्वाइनिंग जरूर कराया जाएगा। और अगर आप फेज टू की परीक्षा देने वाले हैं, फेज टू का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप इसी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिहार के हैं तो देखिए बिहार में 75 नंबर पर भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार सरकार का थोड़ा सा नियम अलग चलता है, सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए बिहार सरकार का नियम अलग है। तो आप बिहार का फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार सरकार की बातों को मानना ही पड़ेगा, यानी कि आपके सीटेट में 90 नहीं 82 नंबर हों तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि अदर स्टेट की महिला कैटेगरी में आप आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप अदर स्टेट की महिला कैटेगरी में आएंगी तो आप इसी में जाएंगी, इसमें यूआर में जाएंगी। अदर स्टेट की महिला कहां जाएगी भैया, यूआर में जाएगी। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, एक पॉइंट और है, इसी कैटेगरी में चर्चा करते हैं क्योंकि सारा बवाल यहीं पर हो रहा है। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट यहां पर हम क्लियर करना चाहेंगे, यहां पर लिखते हैं यदि आप बिहार में हैं और यूआर कैटेगरी में हैं, बिहार में हैं यूआर कैटेगरी में हैं, तो आपको 82 नंबर आपका ले लिया गया। अगर आप अदर स्टेट की हैं, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट की हैं और आपका 90 नंबर ले लिया गया, ऐसा क्या ऐसा संभव है? देखिए जो ग्रुप होता है, जो यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई है, उसमें सीटेट का बराबर बराबर नंबर लिया जाएगा। तो अगर इस खांचे की इस ढांचे, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, अनारक्षित महिला, तो ये ग्रुप किसका है भैया, अनारक्षित महिला, अनारक्षित महिला का ये ग्रुप बना है, तो सबके लिए 82 नंबर होगा, सबके लिए 82 नंबर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार के हैं तो 82 नंबर और अदर स्टेट की हैं तो 90 नंबर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्रुप जो बना है इसमें कितना नंबर है, 90 नंबर, तो सबके लिए 90 है, अनारक्षित बिहार वाले और अदर स्टेट वाले सबके लिए 90 नंबर। तो इस कैटेगरी में यानी इस ग्रुप में ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 82 नंबर, कुछ लोगों के लिए 90 नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यदि कोई ग्रुप बनता है तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क होता है वो सबके लिए बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई यहाँ पर जैसे इंडिया का मैच चल रहा है तो इंडिया को 50 ओवर खेलना है, ऑस्ट्रेलिया जब खेलेगी तो हम उसे 40 ओवर खिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, बात मेरा उदाहरण समझ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, अगर इस ग्रुप में अनारक्षित जो बिहार वाले हैं 82 नंबर ले रहे हैं और इसी ग्रुप में अदर स्टेट की महिला जा रही है तो उसको भी 82 नंबर लेंगे, उसको 90 नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि एक कैटेगरी में एक ही नंबर होता है, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप हमारा पॉइंट समझ गए होंगे, जिन्हें ज्वाइनिंग से रोका गया है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें 2-4 दिनों बाद ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। अगर नहीं भी कराया जाता है तो आखिरी रास्ता हाई कोर्ट है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपको 82 नंबर पे होना है तो 82 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है सारे प्रश्नों का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। अदर स्टेट की अगर आप महिला हैं तो 82 नंबर पे आराम से फॉर्म भर सकती हैं, और अदर स्टेट के पुरुष हैं तो उनके लिए 90 नंबर होना चाहिए सीटेट की परीक्षा में। तो इसी प्रकार से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।